हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रही हूँ नमक के दिव्य प्रयोग। नमक जो है नेगेटिविटी को रिमूव करता है। नमक पर चंद्रमा, राहु और शुक्र का प्रभाव होता है और इन ग्रहों को अच्छा या बुरा बना सकता है नमक का गलत इस्तेमाल। तो आप भी रसोई में भी नमक सही तरीके से रखें, बाथरूम में या घर के अन्य स्थानों पर नमक का यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। इस बार दिवाली पर आप नमक का ये प्रयोग जरूर करें, ये टोटका जरूर करें। इससे आपके घर से निश्चित रूप से दरिद्रता का निवारण होगा। मित्रों, आपको क्या करना है कि नमक लेना है और नमक लेना है सादा वाला, जो नमक होता है वो लेना है आपको। सेंधा नमक, काला नमक, कई तरह का नमक आता है, लेकिन ये जो प्रयोग बता रही हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ सादा नमक आपको लेना है जो हम खाने के काम में लेते हैं। और इस नमक का आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो ये कि जैसे कटोरी मैंने आपको दिखाई, इस तरह से कटोरी, ये तो बड़ी है काफ़ी, आप कांच का प्याला ले लें। कांच के छोटे छोटे प्याले भी आते हैं, उनमें नमक भर के घर के हर कमरे में आपको रखना है। ये नमक आप घर में छुपा के रखें, पर्दे के पीछे रखें। इसके अलावा घर में जहाँ पर आपके आने जाने वाले लोग रहते हैं, सेंटर टेबल के नीचे भी आप कोई डेकोरेटिव आइटम रखकर उसके अंदर भी एक पुड़िया में नमक बांधकर रखें। ऐसा करने से किसी के भी आने वाली जो नज़र है, नेगेटिव एनर्जी है, किसी के अंदर प्रेत का बाधा है, कोई साया है, तो ये सब चीज़ आपके घर को प्रभावित नहीं कर पाएंगी और आपका घर सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा नमक के संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखें। नमक बरनी में जब रखते हैं तो वो बरनी कांच की होनी चाहिए, कांच का कंटेनर होना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में नमक नहीं रखना चाहिए, स्टील के बर्तन में भी नमक नहीं रखना चाहिए, कांच का ही बेस्ट रहता है। या चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, जो अचार की बरनी के रूप में हम काम में लेते हैं, पुराने लोग उसमें भी नमक रखा करते थे और उसमें भी नमक रखना शुभ होता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि नमक का जब भी आप पोछा लगाते हैं तो वो पानी आपको टॉयलेट में ही फ्लश करना चाहिए। उस पानी को अगर आप अपने गार्डन में, पेड़ पौधों में डाल देते हो तो वो नेगेटिविटी आपके घर में ही क्रिएट हो जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। और नमक वाला जब पोछा आप काम में लेते हो, और एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि वो पोछा धोकर वापस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नमक के कण होते हैं और वो फिर नेगेटिविटी वहीं पर क्रिएट होती रहती है। कई बार पानी टप टप टपकता है पोछे से तो भी दिक्कत पैदा करता है। तो एक अलग से ऐसे वेस्ट कपड़ा बना लीजिए और उससे, या वेस्ट ज़्यादा महंगा तो नहीं आता पोछा, अगर आप एक साथ भी खरीदते हैं तो 50-60 रुपए का एक पोछा आ जाता है। तो उस पोछे को आप बना लीजिए ऐसे कि महीने में आपको 4 बार लगाना है, क्योंकि डेली भी नमक का पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वीकली लगा सकते हैं, वीक में 2 बार लगा सकते हैं। तो अब आप कहेंगे इतने पोछे क्या हम फेंकेंगे क्या? देखो, अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो इतना सेक्रीफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप छोटा सा अमाउंट देख लो, या नमक के ज़रिए आप अथा पैसा देख लो। तो अथा पैसा चाहिए ना, तो ये छोटा सा खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। आप सस्ते वाले ले आइए नमक के लिए। घर का वेस्ट जो फटा हुआ कपड़ा है वो भी आप काम में ले सकते हो, लेकिन उसमें बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, आपको अपना ब्लाउज़, पेटीकोट, ये पोछे के रूप में काम में नहीं लेने चाहिए। कोई भी सूती दुपट्टा है, सूती साड़ी है, वो सब चीज़ें आप काम में ले सकते हो। पुराने टॉवल बेस्ट होते हैं, पुराने जो टॉवल हैं, नैपकिन हैं, उनको आप पोछे के काम में लेकर और यूज़ एंड थ्रो कर सकते हो।